नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लिस्ट आने से पहले ही नकुल नाथ ने कर दिया प्रत्याशी का ऐलान, जाने कौन है वो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में छिंदवाड़ा जिले से केवल पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम शामिल है। छिंदवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। छिंदवाड़ा की इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ परासिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झुर्रे की गांव तुमड़ी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। नकुल नाथ ने मंच से कहा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा, वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सोहन भैया को वोट नहीं दे रहे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। ये भले ही प्रत्याशी हो, आपका हर कीमती वोट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। नकुल नाथ ने सोहनलाल वाल्मीकि का नाम लेकर ये संकेत दिया है कि आगामी चुनावों में उन्हें फिर से टिकट दिया जा सकता है। जिन सोहनलाल वाल्मीकि के बारे में नकुल नाथ घोषणा कर रहे हैं वे परासिया विधानसभा से विधायक हैं और इस बार फिर टिकट की दावेदारों की रेस में हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठोक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।